हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आपके। आज हम देखेंगे हमारे पास जो हमने लास्ट टाइम कैपेसिटर पढ़ा है उसके अंदर हम बल्कि मैं टॉपिक का नाम लिखता हूँ और हमारा टॉपिक नंबर है 12.14 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड ईयर फिजिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और नाम है जी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। ठीक है, तो सबसे पहले कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब हमने तब पीछे पढ़ा था एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। ठीक है, अब मेरे पास ना दो टैंकी हैं, ये दो जग हैं, दोनों ही लिक्विड को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ी टैंकी एक छोटी, तो दोनों में एबिलिटी है लिक्विड को स्टोर करने की, लेकिन किसमें कितनी एबिलिटी है ये क्या कहलाएगी स्टोरिंग कैपेसिटी। सेम कैपेसिटर दो हैं, दोनों ही चार्ज स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो कैपेसिटर जितनी ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है वो उसकी उतनी ज़्यादा क्या होगी एबिलिटी, और उसको हम उसकी जुबान में क्या बोलेंगे कैपेसिटेंस। आगे है जी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर मोस्टली होते ही पैरेलल प्लेट हैं, बस इनके अंदर के मीडियम को चेंज करके इनकी कुछ टाइप्स बना दी जाती हैं, वो भी हम आगे मैं आपको बताता हूँ। अब होता क्या है कि हमारे पास होती हैं दो पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, इन पैरेलल प्लेट्स को हम एक दूसरे के इंतहाई करीब रख देते हैं, लेकिन करीब रखने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि इनके दरमियान के अंदर कोई चीज़ नहीं होती। इनके दरमियान में कुछ ना कुछ हमने क्या रखना होता है इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक। ये भी एक डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर ये भी एक ही चीज़ है, मतलब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो अभी मैं इंसुलेटर से बताता हूँ, फिर आगे डाइलेक्ट्रिक हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने देखनी है पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट क्या, जैसे ये मेरा हाथ है एक प्लेट नुमा है, इसके सामने ये भी एक प्लेट है, अगर मैं इनको ऐसे रखूँ तो आपको ये दो लाइनें नजर आएंगी कुछ यूं, ठीक है, तो थोड़ा छोटा बना लेते हैं। लो जी ये दो पैरेलल है, पैरेलल का मतलब होता है आमने सामने और इनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, ठीक है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं कि उस सेंस में हम कैसे करते हैं। ठीक है, और इन प्लेट्स के दरमियान में बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंस है, यानी कि ये मैंने ना ज़रा जूम कर बनाई हुई है, इसको हम ज़रा ऐसे लिखते हैं जी जूम आउट। जूम आउट करेंगे तो ये आपको कुछ यूं लगेंगे, समझ आ रहा है कि बिल्कुल एक दूसरे के करीब, ठीक है, और अगर प्लेट्स का साइज़ बड़ा है तो साइज़ हम बड़ा कर देते हैं, लेकिन एक दूसरे के इंतहाई है क्या है करीब है, तो ये ज़रा जूम करके बनाई हुई है। ठीक है, तो अब इसे प्लेट की शक्ल में बनाते हैं प्रॉपर, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये आपको बिल्कुल सामने का मतलब कि एग्जैक्टली इस प्लेट के 90 पे हो, अगर आप इसे थोड़ा इस तरह देखोगे तो आपको इसकी शक्ल इन प्लेट्स की कुछ यू नज़र आएगी, हैं जी, ये डायग्राम मेरी थोड़ी सी वीक है, गुजारा कर लेना। ठीक है, तो ये इसकी वायर्स, ये हमारे पास हैं जी दो प्लेट्स, इसको हमने कनेक्ट कर देना है बैटरी के साथ। अब आपको पता है कि बैटरी ने कुछ ना चार्ज देना कुछ नहीं देना, बैटरी ने सिर्फ एक कांड करना है इसके ऊपर, बैटरी ने इनमें से जिस प्लेट को बैटरी का पॉजिटिव लगा है बैटरी ने उससे इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन छीनने शुरू कर देना है, क्योंकि ये पूरा टॉपिक पैस्टर का हमने पढ़ा है, तो मैं ऊपर पिन कर रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो देख लें, अगर पढ़ा हुआ तो फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बैटरी ने इस भाई से इलेक्ट्रॉन छीनने हैं और इधर ला के रख देने। अब इस प्लेट का एरिया हम प्लेट नंबर ए कह देते हैं, बल्कि इसको प्लेट वन कह देते हैं और प्लेट टू, इस प्लेट का एरिया है ए और इसका एरिया भी क्या है, दोनों का एरिया ए। अभी हमने बात की कि इनके दरमियान में बहुत ही स्मॉल सा डिस्टेंस होगा, एग्जैक्टली साथ नहीं होंगे, अगर ये एग्जैक्टली साथ होंगी तो इनके दरमियान में कुछ नहीं होगा, तो बैटरी बेचारी जो इतनी मुशक्कत से इस पर पॉजिटिव चार्ज लाई है और इस प्लेट नंबर टू पर नेगेटिव चार्ज लाई है, तो इलेक्ट्रॉन फौरी उधर चले जाएंगे और चार्ज स्टोर होगा ही नहीं, क्योंकि सारे वापस उधर चले जाएंगे, तो ना चार्ज स्टोर होगा ना एनर्जी स्टोर होगी, तो इसलिए इनके दरमियान में कुछ ना कुछ एक बहुत ही स्मॉल सी क्या होगी डिस्टेंस होगा, बिल्कुल माइन्यूट सा, सिर्फ इनको सेपरेट रखने के लिए। ठीक है, ये अब हमने देखना है कि हमारी जो पैरेलल प्लेट्स हैं इन प्लेट्स का जो एरिया या जो इनके दरमियान में डिस्टेंस है, यानी कि इसको हम आप पूर ओवरऑल लिखेंगे थ्री डायमेंशन स्पेस में, तो आपको इनकी लगेगी शक्लो सूरत, और शक्लो सूरत को हमारी इधर साइंटिफिक लैंग्वेज में मैथ में ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री मीन शेप स्लैश साइज, तो अभी हमने कहा था कि टैंकी का साइज़ बड़ा होगा तो ज़्यादा एबिलिटी,
साइज कम है तो कम एबिलिटी, तो सेम ज्योमेट्री शेप और साइज की बात कर रही है। तो इसके अंदर हमारे पास अब क्या चीज़ आ जाएगी, ज्योमेट्री। तो लास्ट टाइम जो लेक्चर हुआ था उसके अंदर मैंने बात की थी कि कैपेसिटर के लिए हमने फार्मूला जो लिखा था, वो फार्मूला कुछ हमने लिखा था क्यू डायरेक्टली टू वी एंड देन सी वी, और सी इज दी कैपेसिटेंस विच इज क्यू ओवर वी। ठीक है, तो ये जो क्यू ओवर वी है मीन्स के कैपेसिटेंस देखने में तो यही लग रही है कि कितना चार्ज स्टोर हो रहा है और कितना प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल का डिफरेंस बन रहा है। लेकिन एंड में मैंने जाते जाते एक बात की थी, मैंने कहा था कि जो कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करती है, ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री मीन शक्लो सूरत। तो ज़रा चेक करें कि हकीकत में भी हमारे पास ऐसे ही होता है, हमने जैसे टैंकी वगैरह के अंदर तो होता है, क्या इसके अंदर भी यही है कि अगर शेप साइज हम बड़ा कर दें तो यही होगा। तो ज़रा चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला है C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, और इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं इस वक्त इन प्लेट्स के दरमियान में, इन प्लेट्स के दरमियान में जो चीज़ है वो हमारे पास है फ्री स्पेस। ठीक है, तो अंदर हम कोई भी चीज़ रख सकते हैं, सिर्फ इनको क्या करने के लिए, अलग करने के लिए। इसका मतलब है कि अगर अंदर कोई चीज़ रखेंगे तो हमें पता है कि चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है इधर, क्योंकि जो इनके दरमियान में फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है ई। अबे यार ये पांडे वाला किधरों आ गया। ठीक है, तो ये जो फील्ड होती है ये किसके बराबर होती है, फोर्स ओवर क्यू नॉट। तो अगर मैं इनके दरमियान में एफ यानी कि फोर्स फ्री स्पेस रखूँगा तो ई की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, और अगर इनके दरमियान में मैं कोई मीडियम रखूंगा फोर्स की वैल्यू चेंज, ई की वैल्यू चेंज, और यहाँ से वी की वैल्यू चेंज। वी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ वी इज इक्वल टू ई डी। तो इसका मतलब है कि इस वक्त हम जो कैपेसिटेंस डील करने जा रहे हैं, अब हमारी प्लेट्स के दरमियान में बहुत कम डिस्टेंस है और इनके दरमियान में क्या पड़ा हुआ है, फ्री स्पेस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो कैपेसिटेंस हम डील करेंगे उसका नाम होगा कैपेसिटेंस वैक, वैक मीन वैक्यूम। ठीक है, फ्री स्पेस और वैक्यूम दोनों सेम होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू ओवर वी। अब जो क्यू होता है, अब मुझे क्या पता भाई इस प्लेट पे कितना चार्ज है, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि जितना प्लस क्यू इधर है उतना ही माइनस क्यू इधर है, दोनों तरफ चार्ज की मिकदार क्या है, सेम। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कितना चार्ज स्टोर है। हाँ, मुझे एक जुगाड़ आता है। वो जुगाड़ क्या है कि हमने देखा था कि अगर प्लेट जो कैपेसिटर है उसका साइज बड़ा कर दें, यानी कि मैं आपको कहूँ कि ये मेरे पास एक कमरा है और एक और कमरा है, ये दोनों कमरों का साइज क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसके अंदर बैठे हुए हैं जी 5 स्टूडेंट और इसी कमरे में बैठे हुए हैं 10 स्टूडेंट्स। तो मुझे बताओ कि किसके अंदर स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको कहो सर इस कमरे के अंदर ज़्यादा है लेकिन सबका साइज़ क्या है, सेम। ठीक है, अगर मैं इसी चीज़ को बड़ा कर दूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये मेरे पास कोई रकबा है, ये बहुत बड़ा रकबा है और ये भी उसके बराबर का रकबा है लेकिन ये उससे बहुत दूर का रकबा है, तो क्या इस रकबे के अंदर मैंने देखना गंदम की पैदावार कितनी और उसके अंदर भी कितनी है। अब ये थोड़ी ना है कि मैं ये देखूंगा कि मैं इस पूरे रकबे की गंदम की पैदावार देखूं। मैं क्या करूंगा, मैं इस रकबे का एक ऐसा एरिया लूंगा, जितना इधर लूंगा उतना ही एरिया इधर लूंगा। लेट सपोज ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वेयर एरिया दोनों साइडों पर ले लें अगर बड़े रकबे में, तो एकड़ के हिसाब से हम कर लेते हैं। मैं कहूँ भाई इस रकबे में हो रही है 5 टन। ठीक है, और इसके अंदर हो रही है जी 10 टन गंदम की पैदावार, तो मैं लगा दूंगा कि भाई इस एरिया के अंदर एवरेज या डेंसिटी, डेंसिटी हमारे पास होता है कि पर के हिसाब से होता है कि वॉल्यूम के लिहाज से, एरिया के लिहाज से, तो मैं कहूंगा भाई इस तरफ जो गंदम की पैदावार है पर एकड़ के लिहाज से वो इतनी है और इधर इतनी है। ठीक है, अब मैंने पूरे की नहीं गिननी कि भाई पूरे की गिनूँ उसको ऊपर रखूँ टोटल रकबे पर डिवाइड करूँ या, इस चीज़ को हम कहते हैं डेंसिटी। ठीक है, और हमारे पास हमने ये पीछे पड़ी भी हुई है, और इस चूंकि ये एरिया के लिहाज से है, लंबाई इंटू विड्थ, लंबाई इंटू विड्थ, तो इसको हम इधर नाम बोलते हैं सरफेस डेंसिटी। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज़ हम चार्ज की सेंस में कहते हैं, मैं कहूँ भाई 5 कूलम और 10 कूलम, तो इसका नाम पड़ जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर हो गया कि भाई कितना चार्ज है कितने एरिया के ऊपर, चूंकि दोनों प्लेटों का साइज सेम है तो हम इसे बात इधर नाम दे देते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको हम जाहिर करते होते हैं हमारी फिजिक्स में सिग्मा, और ये किसके बराबर होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन क्यू इज इक्वल टू आ जाता है सिग्मा इंटू ए, यही बनता है। इसका मतलब है यहाँ से क्यू की वैल्यू तो हमारे पास आ गई सिग्मा इंटू ए। अब रह गया वी,
वी नहीं पता। अब वी के लिए हमारे पास एक तो फार्मूला ये है, ये वाला भाई, क्यू ओवर आर। लेकिन क्यू नहीं पता आपको, सर क्यू यहां से आप निकाल लें सिग्मा ए आर, आर की वैल्यू इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है। लेकिन ये तो पॉइंट चार्ज के लिए था कि चार्ज दो तो उसके, लेकिन यहाँ पे तो इतने ज्यादा चार्ज देते सबकी वजह से पोटेंशियल होगा। फिर क्या करें, हमें याद है कि हमने इस पॉइंट चार्ज वी के लिए हमें पता है कि चूंकि इनके दरमियान में बहुत कम डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन लग सकती है पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली, क्योंकि इस साइड पर पॉजिटिव पोटेंशियल है और इस साइड पर नेगेटिव, जिसका मतलब है जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो किसके बराबर आ जाता है, सॉरी हमारे पास पोटेंशियल का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और हमने कहा था कि इनके दरमियान में बहुत कम डिस्टेंस है, वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अगर डिस्टेंस स्मॉल है तो इसी डिस्टेंस को भी हमने क्या नाम दिया है, डी। तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है डेल वी इज इक्वल टू ई इंटू डी। ठीक है, तो माइनस साइन आपको पता है जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए है, उसका और कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ से क्या बनता है, डेल वी इज इक्वल टू ए डी। तो डेल वी का मतलब क्या है कि एक हायर पोटेंशियल एक लोअर, तो वो ऑब्वियसली यहाँ पर इनके दरमियान में क्या है, वी। तो इसका मतलब है कि यही इक्वेशन अब वी इज इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो जाती है, ई डी में। तो वी इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ई इंटू डी। तो इसका मतलब है कि इधर आप इस वैल्यू को पुट कर सकते हो, इधर पुट करते हैं फिर बाकी नीचे सॉल्व करते हैं, सिग्मा है और वी की जगह क्या आ जाएगा, ई इंटू डी। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अगर आप अभी थोड़ा सा गौर करें तो आपको नजर आ रहा है कि ए और डी आ गया, ए मीन एरिया ऑफ द प्लेट एंड डी इज दी, डी क्या है भाई, डी इज दी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, यानी कि आपकी टैंकी की कितनी बड़ी दीवार है और उन दीवारों के दरमियान में कितनी स्पेसिस है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप ज्योमेट्री की फिर बात कर रहे हो। अच्छा, अब यहाँ पर क्या चीज़ नहीं है हमारे पास भाई, यहाँ पर क्या नहीं है, ई नहीं है। अब हमें क्या पता इतनी बारीक सी स्पेस है और इनके दरमियान में कितनी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये तो पता ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको याद हो तो हमने गोजेज लॉ के अंदर दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान के अंदर हमने क्या कैलकुलेट की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वो हमने कुछ याद यूँ किया था कि हमने कहा था ये बड़ी सारी पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके दरमियान में फील्ड यूँ है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, और दरमियान में इनके फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। ठीक है, लेकिन चूंकि ये प्लेट्स एक दूसरे के इंतहाई करीब हैं, तो हम इस चीज़ को हम इधर सपोज कर सकते हैं कि तकरीबन ये यहाँ पर सारी इनके दरमियान में फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो फिर हमने क्लोज सरफेस अज्यूम की थी और सारी कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो ई की वैल्यू, ई का आंसर बना था, वो बना था सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अगेन सरफेस चार्ज डेंसिटी बिटवीन दी प्लेट्स, यानी कि जो प्लेट्स हैं उनके ऊपर कितना चार्ज है पर यूनिट एरिया पर, एंड एप्सिलॉन नॉट इज दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वो आपको पता है आपने कूलम से लॉ में पढ़ी हुई है। तो आप ज़रा अब इस इक्वेशन को यहाँ पर यूटिलाइज करें, तो ये बराबर आ गया सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मैं ज़रा इधर लिख देता हूँ, इसको ज़रा इधर पुट करें, तो ई की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, ये इससे कट गया और ये ऊपर चला गया, तो क्या बना, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो इसका मतलब है, इसका मतलब समझे दिया, इसका मतलब ये बना कि यहाँ से सी इज इक्वल टू क्या बना, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो यहां तक ये आपका बनता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन केस ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो वैक्यूम की कहानी यहां तक हमारे पास होती है, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या सीन है कि यहां से एक और चीज भी है कि एप्सिलॉन नॉट जो है इसके एक नए किस्म के यूनिट भी निकलते हैं जो पीछे हमने निकाले थे। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट आपके पास किसके बराबर आ जाता है, सी डी और ए। सी इज द फैराड, डी इज द मीटर ओवर मीटर स्क्वायर। तो फैराड पर मीटर इज एन अदर यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो ये एमसीक्यू के तौर पर आता है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि इसके नए यूनिट क्या है, फैराड पर मीटर। तो जिसकी वैल्यू 8.85 × 10^-12, इसके साथ आप जो है उधर लिखते हो कॉलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर न्यूटन, तो उसकी जगह आप फैराड पर मीटर भी लिख सकते हो, ये भी इसके क्या बनते हैं, यूनिट। अच्छा, तो इसको खैर उड़ाते हैं, हम अपने टॉपिक की तरफ ही चलते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है, क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ओवर डी तो आ गया, यानी कि ये कैपेसिटेंस आ गई इन केस ऑफ वैक्यूम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान में। यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है
कि भाई ये जो ए है ये कैसे पता चलेगा अगर किसी बंदे ने बड़ी प्लेट ले ली या छोटी प्लेट ले ली तो अब क्या करेंगे। तो हमने कहा भाई अब क्या करेंगे, अब भी कैपेसिटर बन जाएगा। उसने कहा भाई वो कैसे, वो आपको समझाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको जस्ट ए को समझाता हूँ, फिर हम इसका जो दूसरा पॉइंट है उसको भी हम ज़रा देखते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने जो कैपेसिटेंस का फार्मूला लिखा सी वैक्यूम वो है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो यहाँ से पता लग रहा है कि ये ज्योमेट्री पर ही डिपेंड कर रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं क्यू और वी के साथ। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जितने भी कैपेसिटर होते हैं वो पैरेलल प्लेट की सेंस में ही होते हैं, प्लेट्स बड़ी होती हैं। अब हमें पता है कि दो प्लेट्स को इतनी जगह पर घेरने के लिए हम रखेंगे तो जहाँ पर कैपेसिटर यूज़ करना है तो कैपेसिटर का साइज़ ही बहुत बड़ा हो जाएगा, तो फिर क्या जुगाड़ लगाना पड़े। देखो ना यहाँ से 1 फैराड का अगर आपने कैपेसिटर बनाना है तो एरिया क्या हो 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और डी आपके पास 1 है, लेकिन इसकी वैल्यू 1 करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मुशक्कत करनी पड़ेगी ए और डी के साथ। तो ए और डी इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि ऐसे समझ लो कि आपके एक शहर जितना एरिया और डी हो जाएगा प्लेट्स के दरमियान में, और इतना सा आपके पास डिवाइस है जिसमें लगाना है। तो फिर इसके लिए क्या जुगाड़ करना पड़े कि हम कैपेसिटर चार्ज भी ज़्यादा स्टोर कर लें और जगह भी कम घेरें। तो ये बात समझ आई, क्योंकि इसकी वैल्यू है बहुत छोटी, तो इन सब का आंसर हमने 1 करना है। अब 1 करने के लिए इसके आंसर को कम करना पड़ेगा और इसको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा करेंगे कि इस साइड का आंसर 1 हो जाए ताकि 1 फैराड बन जाए, क्योंकि इस साइड के यूनिट फैराड बनने हैं। तो 1 फैराड लगाने के लिए तो हमें तो बहुत खपत करनी पड़ेगी, एरिया ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, स्पेस कम हो जाएगी, एरिया बहुत हो जाएगा। फिर तो क्या करते हैं, हमारे पास क्या करते हैं कि एक शीट लेते हैं, इसका एरिया ये, एक और शीट लेते हैं और इनके दरमियान के अंदर हम एक इंसुलेटर को डाल देते हैं, और क्या हो जाता है, इंसुलेटर डाल दिया, यानी कि इनके दरमियान में एक इंसुलेटर कैसे लेयर डाल दी इसके ऊपर। अब इंसुलेटर ने क्या करना है, इंसुलेटर आपको पता है वो कहता है जानी बहुत अच्छा बॉडी गार्ड हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाने दूंगा, चार्ज नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा भाई फिर तो कमाल चीज़ है, लो जी ये इसके ऊपर रख दिया दूसरी प्लेट को। अब दोनों प्लेट्स भी बन गई, दरमियान में चार्ज को रोकने वाला भी बन गया। अब इनको रोल कर देते हैं, जब आप रोल करके जैसे गुगू कहते हैं, गुगू सा बन गया, उसको किस डब्बी में डाल देते हैं तो आपका कैपेसिटर भी बन जाता है और जगह भी कम घेरते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंसुलेटर रखते हैं, इस इंसुलेटर का नाम है डाई इलेक्ट्रिक। ये क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि भाई डाई इलेक्ट्रिक क्या चीज़ है और इंसुलेटर, इनसे कैपेसिटेंस बढ़ती है कम होती है, क्या सीन है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि जो इंसुलेटर होता है, ठीक है, ये हमने टॉपिक हाफ पढ़ा है, जो नेक्स्ट हाफ है वो भी मैं आपको अभी एक एक्सपेरिमेंट है नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और साथ एक टॉपिक है छोटा सा पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक वो भी पढ़ेंगे। तो सिर्फ मैं आपको एरिया के लिए ऐसे बताऊंगा और एक इस चीज़ की एग्जांपल दूंगा। इंसुलेटर ऐसे कह देते हो कि किसी भी स्कूल में द पर्सन टीचेस इन अ स्कूल इज कॉल्ड टीचर। ऐसे कहते हो जो बंदा किसी स्कूल में पढ़ाता है आप उसे टीचर कहते हो, बट नॉट एवरी टीचर इज साइंस टीचर। अच्छा ये चीज समझ लो, ये क्या है कि हर डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, लेकिन हर इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता। इसकी एग्जांपल ये है कि हर स्कूल में पढ़ाने वाला शख्स टीचर कहलाता है, लेकिन हर टीचर साइंस टीचर नहीं होता, लेकिन हर साइंस टीचर टीचर जरूर होता है। ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, इसको आप अपने माइंड में सेट कर लो कि डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर हर हाल में होगा, लेकिन हर इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक हर हाल में नहीं होगा। इसकी फुल डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे। ठीक है, तो ये और इसके आगे की डेरिवेशन हम जो वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक के साथ है वो बाद में करेंगे। अच्छा, इसके अंदर बस एक पॉइंट छोटा सा मैंने समझाना है एरिया का। अब क्या है कि ये देखो, ये मेरे पास मेरा हाथ है, ये एक पैरेलल प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, आमने सामने और इनके दरमियान में कैपेसिटेंस, आपको सर इसका एरिया है और इनके दरमियान में डी, और स्पेस एप्सिलॉन नॉट पुट करके आप कैपेसिटेंस निकाल लो अगर हम इनको कंसिडर करते हैं दो पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, यहाँ तक के लिए। लेकिन अगर आप में इसको बंदा है और मैंने यहाँ से हाथ रखा, आप में बचा करता है सर ये आपका हाथ ऐसे, आप बताएं अब इनके दरमियान में क्या होगी कैपेसिटेंस। उनके यार डी तो अभी भी वही है, एप्सिलॉन नॉट भी वही है, लेकिन एरिया नहीं समझ आ रहा कि मैं इसका लूँ या इसका लूँ, दोनों का सेम है तो ए लग दूंगा। तो जब मैंने ए पुट किया स्टील वही वाला, तो आंसर कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन में जो आया और जो रियल में आंसर था वो डिफरेंट था। मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर बना, कुछ सीन यूं हो गया कि इसको मैं एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये मेरे पास एक प्लेट थी छोटी, आप में से एक बच्चा गया बाजार तो वो प्लेट कुछ ये वाली ले आया,
एक प्लेट, मैंने कहा यार दोनों एक जैसी लानी थी, कहता सर वो दूसरी खत्म हो गई थी दुकानदार के पास, तो उसने मुझे ये वाली दे दी है प्लेट, तो कहता जाओ बना लो कैपेसिटर। तो मैं अब ले तो आया हूँ, लेकिन आप मुझे बताएं क्या इसका कैपेसिटर बन जाएगा। मैंने कहा ट्राई करते हैं, लेकिन उसने कहा सर अब इसकी कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन में हम इसका एरिया A1 और इसका एरिया A2, तो इधर A में A1 पुट करेंगे या A2 पुट करेंगे। मैंने कहा हाँ यार ये कन्फ्यूजन है। तो जब हमने इसका पुट किया तो आंसर जो आया और रियल में जो आंसर था वो सेम था, लेकिन जब मैंने इसका पुट किया तो जाहिर सी बात एरिया ज़्यादा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन कैपेसिटेंस तो वही आई जो पहले आ रही थी। तो मैंने कहा फिर क्या रोला है भाई? उसने कहा सर इसके से वही आ रही है जिससे से कम आ रही है, तो फिर क्या चीज़ इन्हें मतलब तंग कर रही है? तो मैंने कहा यार ऐसे करो कि वो एरिया इसी का ले रहा है, तो आप भी इसके अंदर से सिर्फ इतना हिस्सा काट लो जो इतना बनता है। मैंने कहा कैसे? उसने कहा सर आप ऐसे करें इधर एक लगाएं बल्ब। मैंने कहा ठीक है। कहा सर इसका शेडो पड़ेगा इधर सामने, तो मैंने कहा इसका शेडो पड़ गया ये लो। उसने कहा सर ये जो रेड एरिया है जो बिल्कुल इसके सामने आ रहा है सिर्फ इतनी ही जगह पर आपकी क्या बननी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मैंने कहा कैसे? उसने कहा सर जब आप इसे चार्ज करेंगे ना तो इधर आएगा पॉजिटिव इधर आएगा नेगेटिव, लेकिन उसने कहा सिर्फ बाकी एरिए पर फील्ड का इफेक्ट नहीं पड़ना, क्योंकि जितनी भी फील्ड होगी वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके सामने वाली जगह पर ही पड़ेगी और सारा चार्ज वहाँ पर स्टोर करवाएगा ये, ठीक है? तो सामने वाली जगह पर ही सिर्फ उतनी ही जगह पर नेगेटिव चार्ज आएगा और उनके दरमियान में ही फील्ड बनेगी। तो इसका मतलब है कि इसने इसमें से सिर्फ उतना हिस्सा ले लिया जितने हिस्से पर इतने इसके चार्ज और जितने हिस्से पर इसके फील्ड बन रही थी। इसको हमारी जुबान में बोलते हैं कॉमन एरिया। क्या बोलते हैं जी? कॉमन एरिया। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक कैपेसिटर है उसकी प्लेट एक ये रही और एक ये रही, तो मैं इस हाथ को अगर ऐसे रोटेट करना शुरू कर दूं तो कॉमन एरिया मैक्सिमम है, अब ये कम होना शुरू हो गया। तो जब कॉमन एरिया कम होगा तो जाहिर सी बात है कि इसका एरिया इसके सामने बहुत कम आ रहा है, तो जितना ऐसा कम होगा ए की वैल्यू कम होगी सी की वैल्यू चेंज होने लग जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि हम ऐसा कैपेसिटर भी बना सकते हैं जिसमें एक प्लेट को रोटेट कर कर दूसरी प्लेट के सामने का कॉमन एरिया कम कर सकते हैं जिससे कैपेसिटेंस की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है। इसका मतलब ये बना कि हम एक कैसा कैपेसिटर बना सकते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। बल्ले ओ बल्ले, ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी हम चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा यार छा गया उस्ताद। अच्छा उसने सर छा गया यार ठीक हो गया, यानी कि आप इससे कर सकते हैं। इसका मतलब है कि डी को एडजस्ट करके, लेकिन डी के एडजस्ट करने में थोड़ा सा मसला है, वो हम नहीं कर सकते, एरिया के लिहाज से हम कर सकते हैं। तीसरी है ई एप्सिलॉन नॉट जो जिसे हम बोलते हैं, इससे भी कर सकते हैं। उसने कहा सर एप्सिलॉन नॉट तो कॉन्स्टेंट इससे नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ये जो डाइलेक्ट्रिक वाला रोल है, उसने कहा वो सर कल के लेक्चर में कल पढ़ेंगे। मैंने कहा चलो यार ठीक है कल पढ़ेंगे, अगर इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं और नेक्स्ट टॉपिक इसके साथ लिंक कर हम पढ़ेंगे, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। लेकिन इसको अच्छी तरह देख लेना A to Z, देन फिर वो आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।